Parnam didi. Parnam bhaiya. Diye didi apne sini didi se mung ke bij ke ropai karai chiye. Ha bhaiya, sini didi se ropai karai chiye. यह ले ले लिए दीदी हम उसके कलेसी की कैसे दीदी रोपाई करें ठीक से भैया आइए जब अभी है ठीक है दीदी हमारे से बताइए ठीक है भैया आइए तब मीटिंग कर ले छिया तब जब अभी है रोपाई ठीक दीदी तनि बतबै से पहले अपना परिचय दे दिए तो अच्छा रहती ठीक छै हमर नाम होले प्रतिमा देवी गांधी जी समूह के हम कोषा अध्यक्ष छिए सावित्री जीविका ग्रहण संगठन के उप सचिव छिए और हमर घर होले सवलपुर पोस्ट मारल थाना मुरकाही जिला खगड़िया ये श्री दीदी से ई मूंग के जे मतलब रोपाई करबे एकर की उद्देश्य छै एकर उद्देश्य भैया यहे छै कि जैसे 10 इंची लंबाई या 10 इंची कतार के दूरी चौड़ाई होले तो एकर उद्देश्य यह होले कि 10 इंची के दूरी पर जे रोपै छै तेकरा सही तरह से माने समतुल भोजन मिले छै धरती और जैसे दीदी यानी कि पौधा से पौधा के दूरी 10 इंची 10 इंची अल्लाह लाइन के दूरी भी 10 इंची वो भी 10 इंची यानी दोनों बराबर रहे छै बराबर रहे छै एकरा से कि छै जमीन के मतलब कि जे सब भोजन जे आबै छै हां तो पौधा बराबर के बराबर छै एकरा से ज्यादा फल देते दीदी तब बराबर में अब दीदी जे छै कैसे कैसे करे के छै दीदी हां भैया एकरा 4 घंटा के लिए जे बीजा अमृत में देने रहिए फूले ले जी बीज के अब एकरा जे छै पानी में से निकाल दे के छै अच्छा एकरा पानी में से निकाल के सूती कपड़ा से छैक देबे कपड़ा पर छैक दे छियै बीजा अमृत में 4 घंटा रहले ने दीदी हां भैया ई 4 घंटा तक फुलल अब एकर समय पूर गेलै जी अब एकरा पानी में छाक देलिए जी सूती कपड़ा पर अब एकरा जे छै ई सब मार्कर जे छै ई मार्कर बनाएल छै और ई खुरपी छियै और ई 10 इंच के दूरी पर सब कुछ करल छै तब तक के लिए एकरा जे सूती बोरा पर लार दे छियै ई लारबे किया दीदी एकरा लारबे यहे खातिर इसे अगर पानी छ अभी भिंजल छ तो रोपे में बनते ना और एकरा तब तक जब तक मैं उधर क्यारी लाइन डोरी बैठेबे तब तक मैं बड़ा देते बड़ा देते फ्रेश हो जाते हां फ्रेश हो जाते तब एकरा मिट्टी में दे में अच्छा होते जे दीदी बोललिए रे कि मार्का लगल रस्सी छै एकर की काम छै एकर काम भैया यह छै कि एकरा जे छै लंबाई में यहां से वहां तक गारे छै एक तरह और जे छै एक ठो छै इधर चौड़ाई वाला और ई दोनों तरफ गारे के छै दीदी मार्का बैठा कर के ओकर बाद खुदना के बगल बगल में खुदना के सामना जी एकरा रोपै के छै और जैसे कि वो मतलब कि रोपे तो लाइन सीधा के लिए दे छिए कि दीदी हां सीधा के दिए दे छिए कि टेढ़ा में हां करिए भैया हम इधर गा रहे छिए एक तो और अपने उधर दिए और कर लिए नहीं दीदी हां गाड़ लिए अब एक पकड़िए तो इधर दिए
समझ में नहीं ले इधरो से मतलब गाड़ देलिए रस्सी इधरो से गाड़ देलिए मरका लगल रस्सी केना की करबे एकरा समझ में नहीं ले नहीं समझलिए भैया ये जैसे ये गार लिए और ई जे गार लिए ई देखा छी फुदना छे ने ई फुदना में फुदना मिल गेल छे तो ई समझ गेलिए हम कि सीधा लेन होले ई सीधा होले सीधा लेन होले जैसे ई 10 इंच के दूरी पर छे फुदना ई तो बैठा लेन छे भैया लेकिन जैसे हमर खेत तीन कोण में हो गेले या तिरछे हो गेले तो ई फुदना जे 10 इंच के दूरी पर बैठाल छे तो ई मार्का जे मिलल रहते हमर तो खेत टेढ़ा रहते वो हमरा कोई दिक्कत नहीं छे लेकिन हमर लाइन तो सीधा रहते यानी खेत टेढ़ो रहते तो लाइन सीधे लाइन सीधा जैसे वह कारण से ही बैठेने तब आप समझ लिए दीदी की कौन काम के लिए हमने कल इधरो दीदी बैठा दिल को इधरो बैठा दिल के समझे ले लेकिन की खतिक खतिक बैठे ना भैया वह खतिक बैठे ने से के पेड़ हो भी रहता है तो लाइन हमारे सीधा भैया आप जो छह बीज ले करके आप दूध दाना ये फुदना सामना सामने रोपे के दूध दूध दाना ना हाँ दूध एक दाना भैया ई भए गेलै रोपण आब एकरा फेर ई मारता जे छै 10 इंच वाला एकरा यहाँ दए करके आ ओकरा फेर तो दीदी हमरा दियौ तऽ कैसे रोपाइ छै हम अपना यहाँ रोपबै की हाँ रोप करते सीख लिए ठीके दीदी जे श्री विधि से मूंग के रोपाई कर दिए एकरा से की लाभ भैया ई श्री विधि से मूंग के जे लगबै छियै हमे सब तऽ एकर यह फायदा छै कि जैसे श्री विधि से लगेलिए तऽ 10 इंच के दूरी पर छै तऽ ई गाछ जे छै अलग अलग रहै छै 10 इंच के दूरी पर मने घना नहि होइ छै मतलब एकर भोजन जे छै से बराबर मिलै छै बराबर मिलला के बाद ई गाछ स्वस्थ भी होइ छै स्वस्थ होला के बाद ई गाछ ज्यादा फरै छै ज्यादा फूल फल तो ज्यादा उपज हो ज्यादा उपज हो भैया तो स्वाभाविक है कि जब ज्यादा उपज हो तो ज्यादा आमदनी बढ़बे करे दीदी मतलब लगेलिए मूंग के बीज श्री विधि से एकरामे कोनो सावधानियां भी बरते कि दीदी सावधानी में यह है भैया कि जैसे 10 इंच के दूरी जे छे ये 10 इंच के दूरी के भूल के नहीं छे एकरा मतलब ज्यादा नहीं कम होइक चाहिए नहीं कम होइक चाहिए और नहीं ज्यादा होइक चाहिए 10 इंच होना 10 इंच लंबाई और 10 इंच चौड़ाई कतार के कतार भी दूरी और पौधा से पौधा से पौधा के भी दूरी 10 इंच छै एकरा ख्याल रखे यह की सब भनी यह होले सा तो दीदी अपने जे हमरा मतलब श्री विधि से मूंग के खेती करे ले सिखलिए बहुत अपना बहुमूल्य समय देके तो दीदी बहुत अच्छा काम कर लिए तो एकरा लिए दीदी अपने का बहुत बहुत धन्यवाद अब दीदी अच्छा हम चलै छियै प्रणाम दीदी प्रणाम अभी गेले जीविका परियोजन हजारिया खोलो हे दीदी अभी गेले जीविका परियोजन नजरिया खोलो हे दीदी नजरिया I
बनी गेले जीविका परियोजना एकता बनाबो हे दीदी एकता बनाबो हे दीदी एकता बनाबो हे दीदी आबी गेले नन्ही हुके फांदे जीरा लगाबो हे दीदी आबी गेले लवली हुके फांदे लगाबो हे दीदी खेतवा में सो बेला मुंगे लिली विधि लगाबो